गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको अपने साथ ले जाने वाली हूँ अपने बाली ट्रिप में। दैट टाइम आई वाज नॉट ऑन यूट्यूब, सो इट्स अ कलेक्शन ऑफ सम पिक्चर्स एंड सम वीडियो क्लिप्स। तो मैंने सोचा आज आप सबके साथ अपना बाली ट्रिप शेयर किया जाए। और इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगी कि आपको बाली में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए। Bali is an Indonesian island known for its forested volcanic mountains, iconic rice paddies, beaches and coral reef. The island is a home to religious sites such as cliffside Uluwatu Temple. To the south, the beach bars, while Seminyak, Sanur and Nusa Dua are popular resort towns. पहले हमारा जो डेस्टिनेशन था वो था ड्रीमलैंड बीच। तो मैं मिलती हूँ आपको ड्रीमलैंड बीच में। तो ये है ड्रीमलैंड बीच। ड्रीमलैंड बीच इज अमंग द कलेक्शन ऑफ हिडन बीचेस ऑफ बाली। ये एक वाइट सैंड बीच है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ पर आपको लाइमस्टोन क्लिफ्स मिलेंगे और यहाँ पर बहुत सारे सर्फर्स हैं जो कि सर्फ करते रहते हैं। बहुत ही नीट बीच है ये। ड्रीमलैंड बीच के बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन वॉज पदांग-पदांग बीच। Padang-Padang Beach में जाने के लिए यू विल रीच अ क्रेजी नैरो स्टेयरकेस दैट्स बिल्ट इन बिटवीन द लाइमस्टोन क्लिफ। फेस फॉलो इट डाउन एंड यू विल फाइंड योरसेल्फ इन द थिक ऑफ द बसलिंग बीच। देयर आर स्टॉल्स सेलिंग कलरफुल सरोंग्स, ब्रेसलेट्स, गाइज हायरिंग आउट सर्फ बोर्ड हेयर। पदांग-पदांग बीच उलुवाटू में है जहाँ जो कि फेमस है अपने सर्फिंग के लिए विद नो ऑफ सीजन। इसके बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन वॉज उलुवाटू टेम्पल। Uluwatu Temple is renowned for its magnificent location perched on top of a steep cliff approximately 70 meters above sea level. Uluwatu is famous for sunset delights with direct views overlooking the beautiful Indian Ocean and daily kekak dance performance. और हाँ, यहाँ पर आने के लिए आपको एक सरोंग पहनना पड़ता है जो कि आप वहीं से हायर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे मंकीज मिल जाएंगे तो ज़रा इनसे बच के, क्योंकि राजेश का स्पेक्स एक मंकी ले गया था। डे टू और हमारा डेस्टिनेशन था उबुड। उबुड इज़ फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल सीन्स ऑफ राइस पैडीज। हेयर यू विल फाइंड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी वैरायटी ऑफ ऑर्नामेंटल वुडवर्क्स एंड वेरियस कार्विंग। उबुड के बाद हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था किंतामनी वॉलकैनो। इट्स एन एक्टिव वॉलकैनो और यहाँ पर आने के लिए आपको एंट्री फीस देनी पड़ती है इस वॉलकैनो को देखने के लिए। किंतामनी वॉलकैनो को माउंट बातुर भी कहा जाता है और इसी के साथ बातुर लेक भी है जो कि यहाँ का इरिगेशन का मेन सोर्स है। We were very excited to see an active volcano. Mount Batur volcano has erupted about 24 times since 1800. यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरों हैं जहाँ पर आप अपना लंच कर सकते हैं। हमने भी अपना लंच यहीं पर किया। यहीं पर हमने पिसांग गोरैंग को फर्स्ट टाइम खाया जो कि राजेश का फेवरेट बन चुका था। और बाली में हमारे लंच डिनर में पिसांग गोरैंग ज़रूर होता था। बातुर लेक में जाने के लिए इन्होंने बैम्बू का एक ब्रिज बनाया है जिसमें चलकर मैं आ रही हूँ। एंड बातुर लेक इज़ फेमस फॉर फिशिंग।
ये लेक बहुत ही ब्यूटीफुल है, यहाँ पर आने के बाद जाने का मन नहीं करता है सच में। बातुर लेक के बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन था बैलेंसिंगा वाटरफॉल। वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए बहुत सारे स्टेयर्स थे, जाते वक्त तो सही था बट आते वक्त अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है। डे थर्ड हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन था पंताई पांडव बीच। इस बीच का नाम महाभारत के पांडव के ऊपर है। द वॉटर इज क्लियर एंड इनवाइटिंग फॉर स्विम और जस्ट अ स्प्लैश। नेक्स्ट वॉज एबियन सुबक एग्रो टूरिज्म। आर ड्राइवर हु ऑल्सो समहाउ एक्टेड एज अ टूर गाइड कन्विंस्ड अस टू मेक दिस क्विक स्टॉप। It was on the way. There was no entrance fee. Our tour guide there informed us how the coffee were being made. He showed us the various plants and the methods used to process these. Then coffee tasting. Yes, I got to taste all of these. But their special coffee, which is the luwak coffee, was not included there. Luwak coffee is one of the most expensive coffee out there. Should you want to have a taste, one cup cost rupiah. Bali 50,000 rupiah. So we ordered to taste that coffee. Fourth day, our first destination was Tanah Lot Temple. Tanah Lot Temple is one of the Bali's most important landmarks, famed for its unique offshore setting and sunset backdrop. It is 20 km northwest of Kuta. ताना लॉट टेम्पल बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल है, यहाँ आकर आपका ना मन बहुत खुश हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगा। ताना लॉट के बाद हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था सेमिन्याक बीच। और ये भी सेमिन्याक बीच फेमस है अपने सनराइज़ और सनसेट के लिए। सो वी वेंट देयर एट द टाइम ऑफ सनसेट, मतलब सनसेट से पहले थोड़ा सा पहले पहुंच गए थे। एंड द बीच इज सो ब्यूटीफुल, सो क्वाइट प्लेस टू वॉच बोथ सनराइज एंड सनसेट। है ना ब्यूटीफुल। नेक्स्ट डे हम जा रहे थे नूसा दुआ आइलैंड। तो यहाँ पर जाने के लिए एक बोट लेना पड़ता है, तो उस बोट के से दूसरे आइलैंड पर जाया जाता है। तो वहाँ के लिए हम निकले नेक्स्ट डे में नूसा दुआ के लिए। तो अभी मैं बोट पर चढ़ने की तैयारी कर रही हूँ। उसके नेक्स्ट डे हम आ गए डेनपसार एयरपोर्ट, क्योंकि हमें वापस आना था। ये जो ट्रिप हमारा था बहुत ही अमेजिंग था। इस ट्रिप ने हमें बहुत ही ब्यूटीफुल मेमोरीज दिए हैं जो कि हम हमेशा याद रहेंगे। बाली बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। इस वीडियो में मैंने ये कोशिश करी है कि मैं आपको उन सब जगह को दिखाऊँ जो कि आपको बाली में जाने के बाद ज़रूर विज़िट करनी चाहिए। And I hope that you like my video and please subscribe to my channel and hit that bell icon so that you get notified whenever I post new video. Bye!